रांची में अगर हम बात करें तो आपको रास्ता चलते भी ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए ये चार बच्चे हैं, चारों भाई बहन हैं और घूम घूम कर इसी तरह से डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं। यहाँ कैसे पहुँच गए? वीडियो बनाना है सिर्फ, ऐसा ही घर बगल में तो लोकेशन अच्छा है तो आ गए। अच्छा लोकेशन लगा तो आ गए। हाँ। तो ये वीडियो बनाने का टाइम कैसे निकालते? टाइम अभी छुट्टी है स्कूल ना, गर्मी छुट्टी है तो इसलिए बना ले रील। जब स्कूल रहता है तब तो स्कूल रहता तो कभी कभी रहता तो स्कूल जाते हैं, जब टाइम मिलता है 5 या 10 मिनट तो भैया लोग का मदद करते हैं। अच्छा आप? हाँ टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी डांस का, ऐसा वीडियो नहीं बना पाते जल्दी, अभी छुट्टी है ना। अच्छा तो ऐसे ही घूम घूम के कैसे कैसे बनाती है वीडियो घूम घूम के? हाँ मतलब घूमते हैं ना तो कभी कभी अच्छा जगह दिखता है। हाँ। तो मतलब वो जगह का हिसाब मतलब अच्छा गाना ढूंढते हैं, फिर उसमें सीखते हैं, फिर शूट करने आते हैं। अच्छा शूट करने बाद में आते हैं। हाँ। अच्छा घर में मम्मी पापा को पता है? हाँ। क्या बताती है मम्मी पापा को? मम्मी पापा को पता है कि हम लोग ये सब करते हैं, मम्मी पापा लोगों को कोई एतराज नहीं है। क्या कहते हैं? अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा काम करते हैं। कहाँ? मेरी मम्मी हॉस्पिटल में काम करती है और पापा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? हाँ। किस फैक्ट्री में काम करते हैं? बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। तो दिन में सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और तुम लोग अपने अपने घर से निकल जाते हो अपना जहाँ स्कूल के बाद, और जब मौका मिला तो डांस वांस करते हैं। मौका मिलने के बाद, स्कूल से आने के बाद मौका नहीं मिलता है, क्लास जाते हैं उसके बाद बिजी रहते हो जाते हैं। अच्छा अभी सिर्फ यहाँ छुट्टी मिला है तो आ गया रील बनाने के लिए। हाँ खूब मजा आता है। नहीं मजा नहीं, डांस करने में तो अच्छा ही लगता है। खूब मजा आता है। हाँ डांस करने में बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड्स लोग क्या बोलता है? फ्रेंड्स लोग कुछ नहीं बोलता है, अच्छा कर रही हो, बढ़िया कर रही हो। हाँ लोग भी सपोर्ट करता है, तो वीडियो बनाने में मदद करता है कुछ। टीचर नहीं कहते कि पढ़ाई डिस्टर्ब होता है? टीचर लोग को भी अच्छा लगता है हम लोग का डांस, स्कूल में भी करते हैं ना। अच्छा हाँ स्कूल में भी करते हैं। तो देखिए ये सभी चारों भाई बहन हैं और आपस में ही डांस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और इसके साथ साथ उसी में से वक्त निकाल कर डांस भी करते हैं। तो अचानक से रास्ता चलते चलते हमें ये चारों दिख गए तो हमें लगा कि हम इन्हें आप तक भी पहुँचा दें, इनके जो डांस करने की कला है वो आप भी देखें कि कैसे रांची के ये बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से ही सब डांस का स्टेप सीखते हैं। कैसे मतलब क्लास जा रहे थे? हाँ। अभी क्लास जाते हैं। हाँ। दीपक सर अंकिता मैम से सीखते हैं। अभी मतलब जो स्टेप्स मतलब ये डांस मैम से सर से सीखते हैं, जो ये गाने पर जो डांस है ना वो खुद से बनाया है, ये स्टेप खुद से बनाया। हाँ ये स्टेप्स खुद से बनाया था, खुद से क्रिएट किया है। देखिए ये क्रिएट भी खुद से कर रहे हैं, जैसे अभी जो आप डांस देख रहे थे ये इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, वो स्टेप्स क्रिएटिविटी कह सकते हैं इसको, खुद से सोचते हैं गाने पे कि कैसे स्टेप्स बनाना है और उसके हिसाब से बनाते हैं। तो हम ये दिखा रहे थे अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ, कुमार चंदन।